आज हम आपको बटन होल बार स्टिच बनानी सिखा रहे हैं। देखिए इसे आप कोई भी इस तरह से फूल बना सकते हैं। इस फूल की हम आपको एक पंखुड़ी बना के दिखाएंगे बटन होल बार स्टिच से। ये देखिए हमने यहाँ से निकाला है और इसके बाद आपने जो भी पंखुड़ी बनाई है उसके आप इस तरफ के किनारे पर आ जाएंगे। इसके बाद आप इसको मोटाई देने के लिए दो या तीन बार, जितनी बार ठीक समझें उतनी बार इस तरह से कर दें। आपको पतला धागा हो तो आप तीन चार बार कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऊन ले रखी है इसलिए हमारे दो बार में अच्छी थिकनेस मोटाई आ जाएगी। इसके बाद आप सबसे इसके इस तरफ के कोने में आ जाएंगे। अब सेम छेद से नहीं निकालें, नहीं तो देखिए इस तरह से बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा जगह चेंज करके लीजिए, ये देखिए हम थोड़ा जगह चेंज करके निकालते हैं। ये निकाला हमने। इसके बाद देखिए आप इस तरह से करेंगे, ये गोला सा बना लिया हमने और ये देखिए इसके बीच में से इस तरह से आप इस तरह से आप कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं काफी सरल स्टिच है ये। अगली पत्ती पर आने के लिए आप यहीं से इस तरह से नीचे के नीचे से इधर आ जाएंगे। ये देखिए वो सारी पत्तियां इस तरह से आप बना लेंगे। देखिए हम एक और पत्ती करके दिखा देते हैं आपको, अगर आप नहीं समझे हो तो। ये देखिए हमने ये निकाला है नीचे के नीचे से। इसके बाद थिकनेस के लिए हम एक बार वापस करेंगे इसको। ये देखिए आप थिकनेस के लिए इसे तीन बार चार बार कितनी भी बार कर सकते हैं, जैसे कि आपकी इच्छा हो। इसके बाद आप किसी भी सिरे से, इस सिरे से, उस सिरे से, कहीं पर से भी इसे निकाल लीजिए। ये देखिए हमने इधर से निकाल लिया है। इसके बाद ये आप इस तरह से गोले बना बना के इनके बीच में से इनको निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से हम ये इसमें से निकाल रहे हैं। यहाँ जगह नहीं दिख रही आपको, लग रहा है नहीं हम और जगह नहीं, तो यहाँ से आप ये देखिए नीचे कर देंगे। इस तरह से आप आपकी सारी पत्तियों को फिल कर लेंगे। देखिए इसके बाद आप सेंटर वाली जो जगह है, सारी पत्तियों को भरने के बाद आप सेंटर वाली जगह पे फ्रेंच नॉट बनाएंगे। इससे बनने वाले फूल की जो बीच की जगह होती है इनको फ्रेंच नॉट से फिल किया जाता है। फ्रेंच नॉट के लिए अगर आपका देखिए धागा, इसमें हमने दो ले रखे हैं, अगर आपका धागा सिंगल है तो ये ऐसे करके आप दो बार घुमा लीजिए। पर क्योंकि हमारा दो धागा है तो हमारे एक बार मोड़ने पे काफी मोटा हो जाएगा, तो हम केवल एक बार मोड़ रहे हैं। आपका धागा पतला हो तो आप दो बार मोड़े। ऐसे करके फ्रेंच नॉट बनाने के लिए आप इस तरह से नीचे चले जाए। देखिए इस तरह से एक बार फिर देख लीजिए आप फ्रेंच नॉट कैसे बनती है। ये देखिए, और अगर आपका धागा पतला है तो आप ये दो बार घुमाएंगे। हम घुमा रहे हैं सिर्फ एक बार, क्योंकि हमारा ऊन है और वो भी डबल। इसको हम नीचे करके इस तरह से गठान लगा देंगे।
अब ये सारी पत्तियां इसी बटन होल बार से कंप्लीट कर लें।